एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। मैं परमानंद, आप देख रहे हैं परमानंद ब्लॉग। आज की ब्लॉग्स काफी इंटरेस्टिंग होगी। इंटरेस्टिंग होने की खास वजह, आज हमारे न्यू अपडेट और न्यू कलेक्शन के साथ व्हीलर डीलर आए हुए हैं। तो भैया लोग का कमेंट के आधार पे आए हुए हैं, डिमांड के आधार पे आए हुए हैं कि भैया ऐसी गाड़ी दिखाए जो सस्ती भी हो और अच्छी कंडीशन की हो और स्पोर्ट बाइक दिखाए। तो चलिए वही दिखाने के लिए हम आए हुए हैं व्हीलर डीलर, जो आपकी बजट की होगी। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, चलिए हम आपको दिखाते हैं। बट दिखाने से पहले यहाँ की लोकेशन जानते हैं। ये लोकेशन है कहाँ पे? लोकेशन आपका रांची कोकर चौक के जस्ट बगल में आपका सैमफोर्ड हॉस्पिटल है, उसी के जस्ट बगल में आपका व्हीलर डीलर है, जहाँ पे हर तरह की स्पोर्ट बाइक मिलती है और माइलेज वाली भी गाड़ी मिलती है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और भैया से मिल के बातें करते हैं कि क्या ऑफर दे रहे हैं अभी और क्या डिटेल्स है गाड़ियों की, उस सारी जानकारी देंगे। तो चलिए आलोक भैया से मिलते हैं। सब ठीक है? अच्छा चल रहा है भाई लोग का दुआ है। भैया पहले यहाँ का लोकेशन बता दीजिए, व्यूअर्स आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ जाए। सबसे पहले बाहर लोग बोलना चाहता है, बाहर का आदमी सबसे पहले झारखंड आना पड़ेगा। हाँ, उसके रांची आना पड़ेगा। रांची में देखिए कोकर चौक है, कोकर चौक से आगे देखिए सैमफोर्ड हॉस्पिटल है, बगल में भारत पेट्रोल पंप, उसके बगल में जस्ट बगल में व्हीलर डीलर का शॉप है। चलिए व्हीलर डीलर का शॉप है। यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ दिखाएंगे? KTM दिखाएंगे, R1 दिखा देंगे आपको, 220 दिखाएंगे, NS दिखा देंगे, Apache दिखा देंगे, मतलब स्पोर्ट बाइक पूरा आपको दिखा देंगे। अच्छा, तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं और जो भी हाँ वीडियो का स्टार्ट करते हैं और नाम ट्रांसफर की सारी डिटेल वीडियो के अंत में बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली गाड़ी दिखाते हैं आपको, KTM ड्यूक, ये 125 cc का। कब की मॉडल है? 2019 का मॉडल है। 2019 की। चली हुई कितनी है? ये चला हुआ है 28,000 किलोमीटर। डाउन पेमेंट क्या देना पड़ेगा? कम से कम 30 से 35,000। सिविल अच्छा रहेगा तो हो जाएगा। इस गाड़ी का रेट क्या रखें? 1,10,000 पड़ेगा। 1,10,000, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, आने बाद कम हो जाएगा। चलिए अगली गाड़ी है NS, ये आपका BS6 मॉडल है। BS6 मॉडल कब की मॉडल है? 2020 का मॉडल है। 2020 की मॉडल, मार्केट में काफी डिमांड है, बहुत डिमांड गाड़ी है और लग रही मेंटेन में गाड़ी। पूरा मेंटेन। कितनी चली हुई है? ये चला हुआ 18,000 किलोमीटर। मात्र 18,000। अच्छा, ये कम से कम डाउन पेमेंट क्या देनी पड़ेगी? कम से कम इसका प्राइस है आपको 1,10,000, तो 40-45 में हो जाएगा लगभग। मतलब 1,10,000 रेट रखे और कम से कम डाउन पेमेंट 40-50,000 में हो जाएगा। चलिए वीडियो में आपका डिमांड के आधार पे दिखाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में आपको दिखा रहे हैं BMW R310 cc है। ये कब की मॉडल है? 2022 का मॉडल है। 2022 की, तो समझिए न्यू ब्रांड है, पूरा न्यू ब्रांड है। तो चली हुई कितनी है? ये चला हुआ 4,000 किलोमीटर। मात्र 4,000। इस गाड़ी का रेट क्या रखते हैं? इसका रेट है 2,45,000 पड़ेगा। 2,45,000 कम से कम डाउन पेमेंट क्या देना पड़ेगा? 1,45,000 डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। 1,45,000 कम से कम डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और व्यूअर्स आएंगे थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, आने बाद हो जाएगा। चलिए अगली गाड़ी है KTM की RC 125 cc। ये कब की मॉडल है? 2019 का इंडिका। 2019 की। ये चली भी कितनी है? चला हुआ है 22,000 किलोमीटर। 22,000 मात चली हुई। कलर ओरिजिनल है? ओरिजिनल कलर में। ओनरशिप की बात करें तो थर्ड ओनर है। हाँ। चलिए इस गाड़ी का रेट बता दीजिए। 1,22,000। 1,22,000 फाइनेंस हो जाएगी? फाइनेंस नहीं, कैश में। ये गाड़ी फाइनेंस नहीं होगी। जो व्यूअर्स लेना चाह रहे हैं तो आइए विजिट कीजिए। आधार पे दिखा रहे हैं आज R15। ये आपका कौन सी मॉडल है? R15 की 2018 का मॉडल है। 2018 की। ये चली हुई कितनी है? ये चला हुआ है आपको 27,000 किलोमीटर। 27,000 मात चली हुई। ओनरशिप की बात करें तो ये फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है। इस गाड़ी का रेट बता दीजिए। 1,10,000 पड़ेगा। 1,10,000 कम से कम डाउन पेमेंट क्या देना पड़ेगा? 40 तक हो जाएगी गाड़ी। 40-35,000 में भी हो जाएगा? 40 में आराम, मतलब सिविल अच्छा होना, सिविल अच्छा रहेगा, 750 तक आराम हो जाएगा। चलिए चलिए और एक डिमांड वाली गाड़ी दिखा रहे हैं आपको, पल्सर 220। ये गाड़ी फुली कंडीशन में लग रही है, कंडीशन में। ये कब की मॉडल है भैया? 2017 का मॉडल है। 2017 का? हाँ, 17 का मॉडल। चली हुई कितनी है? चला हुआ 22,000 किलोमीटर। 22,000 मात, मतलब जो भी चली हुई जेन्युइन चली हुई है। इस गाड़ी का रेट बता दीजिए। मात्र 65,000। ये फाइनेंस तो हो जाएगी? हाँ, ये हो जाएगा। कम से कम डाउन पेमेंट क्या देना पड़ेगा? 35-40,000 देखिए आप ले सकते हैं। चलिए अगली गाड़ी है, बहुत ऐसे व्यूअर्स चाहते हैं बुलेट चाहिए, थंडरबर्ड 350X। ये चली हुई कितनी है? ये चला हुआ गाड़ी कंडीशन में लग रही है, गाड़ी फ्रेश है। ये चला हुआ 12,000 किलोमीटर। मात्र 12,000 चला हुआ। ये कब की मॉडल है? 2020 का मॉडल है। 2020 की। इस गाड़ी का रेट बता दीजिए। 1,35,000 पड़ेगा। 1,35,000 कम से कम डाउन पेमेंट 40 तक हो जाएगा।
40,000-35,000 में हो जाए आराम से, बस सिविल अच्छा होना, सिविल अच्छा रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, आने बाद हो जाएगा कम। चलिए अगली गाड़ी है NS 160, ये काफी डिमांड है मार्केट, ये बहुत डिमांड गाड़ी है और गाड़ी लुक वाइज भी अच्छा है। ये चली भी कितनी है? ये 38,000 चला हुआ, 38,000 कब की मॉडल है? 17 की मॉडल। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ओनरशिप फर्स्ट है, फर्स्ट। चलिए इस गाड़ी का रेट बता दीजिए। इसका 76 पड़ेगा, 76। हाँ, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, आने बाद कम हो जाएगा, कम से कम डाउन पेमेंट क्या देना पड़ेगा? 30 तक में हो जाएगा, 30,000 में हो जाएगा। जिनकी नहीं व्यूअर्स को चाहिए, सिविल स्कोर अच्छा रहना चाहिए, सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको क्रेडिट अच्छा रहने से कोई भी गाड़ी मिल जाएगी कम से कम डाउन पेमेंट से कम। अगली गाड़ी है गांव घर में, ये सब काफी डिमांड है, बहुत डिमांड है, आप आती 160। ये आपका कब की मॉडल है? 2020 का मॉडल है, 2020 का। चली हुई कितनी है? ये चला हुआ 18,000 किलोमीटर, 18,000। ओनरशिप फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर है। इस गाड़ी का रेट बता दीजिए। मात्र 88,000, मात्र 88,000, कम से कम डाउन पेमेंट क्या देना पड़ेगा? 30 तक में हो जाएगा, 30 तक में हो जाएगी। चलिए अगली गाड़ी है आपका X-Blade, होंडा का X-Blade है, ये भी गाड़ी अच्छा है, माइलेज वाली गाड़ी है, माइलेज वाली गाड़ी है और लुक वाइज भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये कब की मॉडल है? 2021 का मॉडल, 2021 की। चली हुई कितनी है? ये चला हुआ 12,000 लगभग। ओनरशिप की बात करें तो फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर है। इस गाड़ी का रेट बता दीजिए। 78,000 मात्र, 78,000 मात्र, कम से कम डाउन पेमेंट क्या देना पड़ेगा? 25-30 में हो जाएगा, 25-30,000 में, हाँ आराम से हो जाएगा। देख सकते हैं व्यूअर्स, जिनकी नहीं व्यूअर्स को अगर गाड़ी लेना है वो भी स्पोर्ट बाइक, 25-30,000 देके आप गाड़ी ले सकते हैं, सिविल अच्छा होना चाहिए। अगली गाड़ी है पल्सर 220। हाँ 220। ये कब की मॉडल है? 2020 का एंड, 2020 की गाड़ी, फ्रेश लग रही है, कलर भी ओरिजिनल है, कलर भी ओरिजिनल है। ये ओनरशिप की बात करें तो फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर है। चली हुई कितनी? 15-20,000 लगभग, 15-20,000 समथिंग चली हुई है। इस गाड़ी का रेट बता दी। 88,000 मात्र, मात्र 88,000, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, आने बाद कम हो जाएगा, कम से कम डाउन पेमेंट क्या देना पड़ेगा? 40 तक हो जाएगा, 40 तक में। चलिए सिविल अच्छा रखिए, आपको 30,000-40,000 में गाड़ी मिल जाएगा। अगली गाड़ी है पल्सर, पल्सर 125 cc का, 125 cc, मतलब माइलेज अच्छी दे, माइलेज अच्छा मिलेगा। ये कब की मॉडल है? 2022 का मॉडल है, 2022 की। चलिए कितनी है? मात्र 10,000। चलिए इस गाड़ी का रेट बता दीजिए। रेट है 88,000, 88,000, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमारे व्यूअर्स आएंगे तो थोड़ा बहुत आराम से कम हो जाएगा, आने वाला हो जाएगा सर। चलिए जिनकी ने व्यूअर्स को अगर लेना है गाड़ी तो आइए, डिस्प्ले पर नंबर दे, उस नंबर पर कॉल कीजिए और अलग भैया से मिलिए। हाँ बहुत जरूरी, फोन करके आइएगा, फोन करके आने से आपको प्रॉपर जगह भी पता चल जाएगा। अलग भैया बोलिए, व्यूअर सब का जानना है, जानकारी चाहिए कि नाम ट्रांसफर के चार्ज इंक्लूडेड है या अलग से लिया जाता है? सब गाड़ी में अलग से लेते हैं भैया, अलग से। क्या चार्ज लगती है? अगर फाइनेंस में लीजिएगा तो 4,500 लगेगा, कैश में लीजिएगा तो 3,000 लगेगा। चलिए और फाइनेंस में कौन कौन सी पेपर लगती है और कहाँ कहाँ तक हो जाती है? 100 किलोमीटर अंदर हो जाएगा, 100 किलोमीटर की रेडियस है, रेडियस के अंदर हो जाएगा। में क्या क्या लगती है? पहले एज 21 साल होना चाहिए। अच्छा, एज 21 साल। आपको बैंक और डिटेल चाहिए, फोटो आधार पैन कार्ड चाहिए, हो जाएगा। ये सब पेपर कॉमन रहता है हर किसी के पास। चलिए जिनकी भी व्यूअर्स को अगर गाड़ी लेना वो भी फाइनेंस में, तो आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो लगेगी और ये पेपर लगभग सारी सभी के पास रहती है। तो चलिए जिनकी भी व्यूअर्स को फाइनेंस में लेना है तो ये सब पेपर डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा और भैया से मिलिएगा, आपको हर तरह की डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी। और वीडियो में अगर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमेशा अपडेट जानकारी मिलते रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय, जय हिंद, बाय बाय।